पापा अब यार कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अब चॉकलेट, ड्रेस, कुछ भी नहीं, बस आप, हमें बस आप चाहिए। तुम्हें पता है जब पापा हमारे पास थी ना तो पापा आपसे कितना लड़ते थे, कितना परेशान करते थे आपको, और बाद में आपसे तो लड़ते थे। पापा जब आप चली गई ना तो हमें पता चल गया मम्मा को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो मम्मा चली जाती है तो बहुत रोने का मन करता है। मम्मा आप मम्मा छोड़कर तो कभी बच जा रहा है, कभी बच जा रहा है। मम्मी छोड़कर चली गई, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए पीहू? हम कहाँ गए बोलो, जवाब दो, बोलो हम कहाँ चले गए, बोलो पीहू हम कहाँ गए थे? पापा आप कहाँ चले गए, आप कहीं नहीं ऐसे आई है। झूठ मत बोलो, तुमने अभी हमसे कहा हम कहीं चले गए, बोलो मतलब हम तुम्हें छोड़ के गए थे, हम क्यों गए थे? नहीं मामा कहीं नहीं गई थी, कुछ तो बदल गया, कुछ तो हुआ है। तुम हमसे झूठ बोलना बंद करो, बताओ हम क्यों तुम्हें छोड़ के गए? पापा आप कहीं नहीं गई थी, तूने तो मतलब कहीं नहीं गई थी। झूठ मत बोलो अभी, हमने अभी सुना तुम कह रहे थे कि हम चले गए। अरे रे 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 रे, कहाँ जा रहे हो? बोलो कहाँ गए थे? आप और कहाँ जाएंगी? छाप रोज जाती है ऑफिस, वही गई थी आप पापा। और देखिए आप कितना लेट आई है घर, कितने देर से भूखे, तो कुछ तुम्हें ऑफिस ना हो ना तो कुछ तुम्हें भूले ही जाओ, जब भी घरे आती। तो भालो बांग्ला बोलते पारो पीहू, যখন তুমি কমপ্লেন করো না তখন খুব সুন্দর শুনতে লাগে। चलो अभी रूम के अंदर जाते हैं। ठीक है। इनकी हालत अभी छोटे बच्चे से कम नहीं है, अब भी इन्हें इंटेंस केयर की जरूरत है। आप दोनों इनका ख्याल रखिएगा। हमें तो बोला गया था कि इस बंगले का ही ख्याल रखना है, अब इस बहुराई हुई मेम साहब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं देवी जी ऐसे नहीं बोलते, क्या आगे पीछे कोई है भी नहीं, उसे देखो की हालत देखो। God, God, God. What do you have? Can you see feeling in your heart? Sister, you give me all your headache in my hand. Give, give, give. आनंदिता मैम साहब का अच्छे से ख्याल रखेंगे। एक बात बताओ भाई, आप लोग तो अस्पताल में डॉक्टर मरीज को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो सही नहीं हो जाता है ना। मैम साहब तो अभी तक ठीक नहीं है, उन्हें खाली छोड़ दिया क्योंकि कोई चाहता था कि आनंदिता जी वहां नहीं रहे। कमरे में तुम्हारे पापा की तस्वीरें भी हैं, उस पर एक चंदन की माला भी है। तुम्हारी माँ को उस बारे में नहीं पता चलना चाहिए पीहू। जानते हैं, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पीहू जानते हो तो जाओ ना, भागो। क्यों भागे? मैजिक किससे सीखा है हमने? मैजिक से माला को गायब कर देंगे। सुबोध, सुबोध कहाँ है आप? सुबोध, मम्मा, मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? क्या हुआ मम्मा? मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? कमरा हमारा नहीं है, किसका कमरा है? मम्मा ये हमारा कमरा है, क्यों नहीं समझते आपको क्या हो गया? क्यों रोना नहीं, हारना नहीं, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। मम्मा, ये बेड ना हमारे नाना जी ने बनवाया था आपकी शादी में। मम्मा, ये आपका फेवरेट बेड है। देखिए ना मम्मा, देखिए ना। पता है पीहू, ये जो बेड है ना, ये हमें तुम्हारे नाना जी ने गिफ्ट किया है हमारी शादी के बाद। उन्होंने ही हमारे लिए बनवाया है। हम जब भी इसमें बैठते या आराम करते हैं ना, हमें एकदम घर की याद आ जाती है, इसलिए ये हमारा फेवरेट बेड है। तुम्हें पसंद है ना? ये हमारी बैंगल्स है ना, ये हमारी है। ये सारा हमारा ही सामान है। हाँ। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ, जल्दी मम्मा, जल्दी। आप इस कब्र में अपने सारे रख सकती थी। देखिए मम्मा, आप एक बार देखिए। मम्मा, ये जरा आपके मेरे कपड़े देखिए, ये आपके कपड़े, ये मेरे कपड़े मम्मा। शोना, सारे हमारे ही कपड़े, ये सारा हमारा ही सामान। मम्मा, हम एसी ऑन कर दे, मतलब वही है एसी का स्विच। हाँ, एसी ऑन करो, बहुत गर्मी हो रही है, जल्दी जाओ। एसी ऑन कर देते हैं मम्मा, मम्मा भी एसी ऑन कर देते हैं। सब कुछ ठीक कर देगी मम्मा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मा, मम्मा, अब ना वॉशरूम की तरफ से आ रहे हैं। सुबोध की ऐसी तस्वीर क्यों लगी? क्या हुआ है उन्हें? वो तो मुझे ऐसे लिखी रहती है हमेशा से। हमेशा से मतलब हाँ। झूठ 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 बोला बंद करो हमसे। हम जानते हैं कुछ ना हुआ है, कुछ ना हुआ है। हम कहीं और से आ रहे, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो हमसे झूठ बोलना बंद। मम्मा क्यों नहीं समझे? हम कहीं नहीं गए थे, ऑफिस गए थे, ऑफिस। मम्मा सुबोध अभी तक आए क्यों नहीं? और इतनी बारिश हो रही है, इतना लेट हो गया। हमारा फोन कहाँ है? फोन हमारा फोन लाओ। हम उन्हें डांटना चाहते हैं वो क्यों लेट हो। भी कोई टाइम है काम करने का, हम उन्हें डांटेंगे। फोन लाओ। खड़ी क्यों हो? जाओ फोन ढूंढो हमारा, हम बात करना चाहते। अब मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। अब तो दिल्ली गए विदेश के लिए, वो कुछ ही दिन में वापस आ जाएगी। और पता है मम्मा, पापा ने बोला था कि पूरा दिल्ली से हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी डॉल लाएंगे। शाबाश भी, हम जैसी बेटी हर माँ को मिले। इतनी सी उम्र में एक माँ की तरह तुमने अपनी माँ को संभाला है। हम तुमसे बहुत खुश हैं पीहू। तुम इस दुनिया के लिए मिसाल बनोगी। शाबाश। जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। हो जब सर पे हाथ फेरे मैं समझू हुआ सवेरा, तेरी थपकी माँ बताए चल सो जा हुआ अंधेरा। तेरी उंगली मेरी राहें, मेरा घर है तेरी बाहें, तेरी गोद में मेरी दुनिया, तेरा चल आसमां। ओ मेरी माँ, मेरी माँ, ओ मेरी माँ। समझाने में माँ कोई तो जादू होता है तेरे हाथ के खाने में, तेरा एक इशारा काफी है हर बात को समझाने में। तेरे आने से पहले ही तेरी खुशबू आ जाती है, इतनी सारी खुशियाँ बतला दे तू कहाँ से ले आती है। कौन से गुल्लक में करती इतना प्यार जमा। ये रूम की लाइट्स भी ऑफ हो गई, सारी लाइट्स ऑफ हो गई। अब ना बचेंगे। तो अकेले ही बकबका रही है। ये खराब हो गया है क्या? मामा आप परे को टेक कीजिए, इस पर हो जाएगा। तो ये चल क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। मामा आप और एक बार जस्ट लास्ट बार टेक कीजिए, इस बार जरूर हो जाएगा। अरे 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 बाबा, बाबा अरे भोर आ गई है। क्या क्या किया ये? आग लगा दी। रे अगर दिमाग सही नहीं है तो हर चीज को छूना जरूरी है क्या? अगर हम जल जाते तो, आप जल जाती तो, ये घर जल जाता तो कैसे होगा? अब चुप काहे खड़ी हो, बोलो, या पूरी पगला गई हो? हाँ पागल, तुम क्या पागल है? आप पागल नहीं हो, ये खुद ही पागल है। अरे रे 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 मेम साहब अब आप ही बताओ, ऐसे क्या सियाने लोग बात करते हैं? ठीक है जाओ जाओ, हमारी माँ के लिए खाना लेके आओ, जाओ। शोना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, बैड मैनर्स। अरे रे 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 कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? गोपाल, फिर से कोई जादू गलत हो गया क्या? ठीक है कि मजा तो हमारे ऊपर। अरे पीहू, हम एक छोटे से पेड़ से भूतू है, मैजिक सीखने में टाइम तो लगेगा ही ना। हाँ, वो बात तो सही है। करत करत अभिया सीखे, जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते के, दिल पर परत निशान। गोपाल, तुम हमारे साथ हिंदी में बात क्यों नहीं करते हो? अरे पीहू, हमारे कहने का मतलब था, जैसे बार बार रस्सी आती जाती है, एक कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते, वैसे ही बार बार अभ्यास करने से भी एक मूर्ख व्यक्ति के अंदर भी कुशलता आ जाती है। गोपाल तुमने भी मूर्ख बोला? अरे अरे पीहू, क्या कर रही हो? और नीलम देवी, अगर आज तुमने आग को नहीं बुझाई होती ना, तो हमने तुम्हें छोड़ते नहीं। और आज के बाद हमारी मम्मा को कभी भी पागल मत बोलना, और कभी भी डांटना मत। अगर आज के बाद किसी ने भी हमारी मम्मा को पागल बोला ना, तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे तो तुम बहुतों को नहीं छोड़ोगी पी, क्योंकि अब तो इस घर में पूरा परिवार ही आएगा। तुम्हारी आत्मा ने तो मुक्ति से इनकार कर दिया, पर नियति ने फिर एक बार तुम्हें चुना है एक और गुत्ते सुलझाने के लिए, और सबसे जरूरी अपनी माँ की जिंदगी संवारने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब तुम्हारे नन्हे नन्हे कंधों पर है पी। संभल कर रहना।